हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक चैनल सॉन्ग मैसेज बेस्ड ऑन डीएम है। मैं आज ये चैनल सॉन्ग क्यों बना रही हूँ, आज सवेरे की जो मेरा पोस्ट था, मेरा वीडियो था, उसमें नीचे एक डीएफ ने, मैंने ना मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने मुझसे लिखा इतने अच्छे वीडियो के बाद कि मैडम डीएम की एनर्जी डालिए। आई वॉज शॉक्ड कि यहाँ मैं वीडियो में क्या बता रही हूँ और आप डीएम की एनर्जी पर फोकस हो। तो मैंने उनको लिखा भी कि इससे ऊपर उठो डियर, बट बाद में लगा चलो ठीक है, डीएफ की इच्छा है, लेट मी चेक द एनर्जी ऑफ डीएम। और मुझे बड़ी ही अच्छी सी, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही थी और मुझे ये एहसास भी हुआ कि शायद उस डीएफ के थ्रू ये ज़रूरी है जानना कि अभी ये आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि क्या अभी माहौल है, क्योंकि इसके पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट था मौसम में और आप लोग भी महसूस करेंगे आज। इसमें सुबह बाई चांस वीडियो में बोला था कि इस खूबसूरत खुशनुमा सुबह, लिटरली फ्रॉम द मॉर्निंग ओनली आई वॉज फीलिंग अ वेरी फ्रेश एनर्जी, बहुत ही फ्रेश एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत खुशनुमा आज का दिन महसूस हो रहा है, बहुत ही अच्छी एनर्जी फील हो रही है। और जबकि इतनी ज़्यादा लाइक नेगेटिव एनर्जी जब चली जाती है तो एकदम से जब हमको कुछ नई सुबह होती है वो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगने लगती है। वेल, ये जो सॉन्ग है इसमें डीएम की एनर्जी कुछ इस प्रकार से है कि वो चाहे कुछ कहें या ना कहें, दे आर ड्रीमिंग अबाउट यू। और वो क्या ड्रीम कर रहे हैं, वो ये ड्रीम कर रहे हैं कि वो एक आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो ये मिस करते हैं कि वो आपसे दूर हैं, वो आपसे अलग हैं। उन्हें क्या पता कि हायर सेल्फ में आप लोग जुड़े हुए हो। फिर भी देखिए, क्योंकि आप जुड़े हुए हो इसलिए वो आपको मिस करते रहते हैं। हालात कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, या ये समझ लो कि 3D का उनका माइंड कुछ भी मैनिपुलेट करता हो, उनकी आत्मा आपको बहुत मिस करती है। और जिस प्रकार से आप वो बबल फेस को मिस नहीं करते हो, वो खूबसूरत सा बबल फेस जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते थे और आपको अपना सब कुछ बताने का मन करता था, हमने आज ये किया, आज हम वहाँ गए थे, आज मैंने ये ड्रेस परचेज करी, आज मेरे साथ ये हुआ, अभी मैं यहाँ हूँ, लाइक एवरीथिंग यू वॉन्ट्स टू कन्वे टू योर पर्सन, हर छोटी छोटी चीज़ बताने का मन करता है। आज मैंने आइसक्रीम खाई, आज मैंने अपने लिए पता है रेड कलर की ड्रेस खरीदी, आज मुझे पता है बुखार आ गया था, लाइक हर छोटी मोटी बड़ी चीज़ आपको बताने का मन करता था क्योंकि वो हर पल आपके हेड में रहते थे और बिल्कुल जैसे आपके अंदर की एनर्जी फड़फड़ा रही है उन तक पहुँचने के लिए, हर एक चीज़ बताने के लिए, राइट। ऐसी हालात उनके नहीं होते थे क्योंकि वो बैलेंस एनर्जी में होते थे, वो लॉजिकली कि हाँ करते हैं उसमें कोई डाउट नहीं, पर वो आपकी तरह, आपकी जो एनर्जी थी पॉजिटिव एनर्जी उनकी तरफ फ्लो होने के लिए मचलती रहती थी, राइट। लेकिन अभी कुछ हाल ऐसा है कि सेम यही चीज़ उनकी है, बस ये है कि क्योंकि वो डीएम है लॉजिकली सोचते हैं, राइट, वो आपकी तरह मचल नहीं रहे हैं। और ये कहो कि हाँ मचल भी रहे हैं तो सिर्फ ख्वाबों में, यादों में सोचते हैं वो, हर वक्त सोचते हैं, हर वक्त वो आपसे बातें करते हैं। और आप में से बहुत लोग कहते भी हो कि हाँ मैम, हमें हर वक्त उनकी एनर्जी महसूस होती है, कभी खुशी वाली कभी गम वाली। और इस वक्त ये जो तूफ़ान निकला है दोस्तों, बहुत ही बड़ा तूफ़ान, इसके बाद बहुत ही प्यारी वाली एनर्जी है आपके डीएम की और आपकी भी, राइट। आप तो खैर फोकस्ड हो, बैलेंस हो, और आपको ऐसे ही फोकस्ड रहना है, बैलेंस रहना है, अपने ही अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसित रहना है, अपने इनर वर्क, अपनी लाइफ, अपनी ग्रोथ। याद आती है, इट्स ओके, सेंड लव, बट वहाँ अब वो वही पीस ऑफ केक मिस कर रहे हैं, बबल फेस वाला, जो आप मिस करते थे अपने स्ट्रगल के पीरियड में, कुकून के अंदर, राइट।
तो वो आपको सोचते हैं, वो ये चाहते हैं कि फिर से वही खूबसूरत दिन आ जाए, फिर से हमारी पहली जैसी बातें हो, प्यार मोहब्बत, फिर से ये ज़माने ने जो इतनी तकलीफ़ें दी हैं ये सब ख़त्म हो जाए, ये सारी बंदिशें, ये सारी बेड़ियाँ उनके पैर से कोई खोल दे जिसके कारण से वो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। वो बेड़ियाँ समाज के लोग क्या कहेंगे, वो बेड़ियाँ की हमारी अपनी फैमिली है, फ़र्ज है, कास्टिज़म है, लॉन्ग डिस्टेंस है, व्हाटएवर जो भी बेड़ियाँ हैं, राइट, कम्युनिटी है, मैरिटल स्टेटस है या फाइनेंशियल स्टेटस है, जो भी है, सब चीज़ों से अब उनको ऊपर उठना भगवान उनको सिखा रहा है, यूनिवर्स सिखा रहा है कि ये सब सिर्फ कंडीशनिंग्स हैं, कुछ नहीं होता है। आपके पास ढेर सारा पैसा आ जाए लेकिन आपके पास आपके यार का प्यार ना हो तो सब अधूरा है, ठीक है। आप कितने भी अपने फ़र्ज़ अपनी फैमिली के लिए कर लो लेकिन अगर आपका प्यार आपके पास नहीं है तो सब अधूरा है। कितने भी समाज की बात कंडीशनिंग को आप ओके कर लो पर आप तब तक खुश नहीं होगे जब तक आप अपनी कंडीशनिंग को क्रिएट नहीं करोगे। यस, इस वक्त आपके डीएम ये सीख रहे हैं कि उनको अपनी खुद की न्यू कंडीशनिंग को क्रिएट करना है और ट्विन फ्लेम्स का असल पर्पस यही होता है कि हम अपनी नई कंडीशनिंग को क्रिएट करते हैं, सोसाइटी की दी हुई ओल्ड बिलीफ सिस्टम और पैटर्न्स को फॉलो नहीं करते। फॉलो योर ओन पैटर्न्स, योर ओन बिलीफ सिस्टम, क्रिएट योर ओन बिलीफ सिस्टम, ठीक है, जिसमें कि कोई बाउंड्रीज नहीं है, राइट। और उसके बाद यूनाइट होके सिर्फ यही नहीं करना है जो चैनल सॉन्ग है, यूनाइट होके हमें मदर अर्थ का बिग पर्पस पूरा करना है। बट दोस्तों, जो चैनल सॉन्ग मुझे चैनल हुआ था ड्यूरिंग दिस एनर्जी जो मैं फील कर रही थी, वो चैनल सॉन्ग मैं आपको टैग कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी। उस चैनल सॉन्ग को सुनिए और महसूस करिए, जानिए, पता करिए कि आज आपकी डीएम की क्या एनर्जी है। ठीक है दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।